क्वेश्चन सिक्स, द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 178, व्हाट आर द इंटीजर्स। तो इसमें फोर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम दिया हुआ है 178, हमें फाइंड करना है इंटीजर्स कौन सा होगा। और एक क्वेश्चन दिया है, इज देयर ए क्विक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो उसको भी हम समझेंगे, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द फोर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी क्या होगा, x होगा, उसके बाद x प्लस वन होगा, उसके बाद x प्लस टू करेंगे, उसके बाद x प्लस थ्री करेंगे। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक आना चाहिए। अगर x का वैल्यू टू निकल के आ गया तो ये क्या बनेगा, टू प्लस वन थ्री बनेगा, ये टू प्लस टू फोर बनेगा, ये टू प्लस थ्री फाइव बनेगा, मतलब टू थ्री फोर फाइव निकल के आएगा। टू थ्री फोर फाइव ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बन गया है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, इसका सम 178 है, 178। तो हम इधर लिखेंगे x, x प्लस वन, x प्लस टू एंड x प्लस थ्री। तो इसमें टोटल x कितना है, 4x है, 1 2 3 4। तो इधर हम लिखेंगे 4x, और इधर इक्वल टू हम क्या करेंगे, 178 लिखेंगे। इसमें 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 होगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। तो 6 को इस तरफ लाएंगे तो -6 बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 4x इक्वल टू 172 होगा, एंड फाइनली x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 172 डिवाइडेड बाय 4। 4 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो कितना बनेगा, 16, 182 के आगे आएगा 12 होगा, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 होगा। तो x का वैल्यू हमें मिल गया है, x का वैल्यू 43 मिल गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब कंसेक्यूटिव जो इंटीजर्स है ये क्या बनेगा, देयरफॉर हम इधर लिख सकते हैं, देयरफॉर द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x की जगह पर 43 आएगा। इधर 43 प्लस 1 कितना बनेगा, 44 बनेगा। नेक्स्ट 43 प्लस 2 इक्वल टू 45 बनेगा, एंड 43 प्लस 3 इक्वल टू 46 बनेगा। ये ही इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन दिया था कि इज देयर ए क्विक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। मतलब इसको अगर हम क्विकली सोल्व करना चाहें, मतलब फोर कंसेक्यूटिव जो इंटीजर्स है उसको क्विकली पता लगाना चाहें, तो कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, ये जो टोटल वैल्यू है, टोटल सम का जो वैल्यू है उसको 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 178 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर है। इसको जब डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगा 44.5। तो ये जो 44.5 है ये क्या होगा, ये एक मिडिल टर्म होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम बाकी जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है उसको निकालेंगे। तो मान लो ये एक नंबर लाइन है, ये मिड टर्म होगा 44.5। तो ये एक टर्म होगा, ये एक टर्म, ये एक टर्म होगा, ये एक टर्म। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है उसकी आगे का दो टर्म लिखेंगे, इसकी आगे का दो टर्म और इसकी पीछे का दो टर्म हमें लिखना है। पीछे की टर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 0.5 को ऐड करके जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 0.5 होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 होगा। तो आगे की टर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 0.5 माइनस करेंगे और यहाँ से यहाँ तक -1 होगा। तो जब 0.5 माइनस करेंगे तो 44 आएगा वैल्यू, जब -1 करेंगे 44 से तो ये 43 होगा, जब इससे 0.5 ऐड होगा तो 45 होगा, जब इससे 1 ऐड होगा तो 46 होगा। मतलब कंसेक्यूटिव जो 4 नंबर है वो होगा 43, 44, 45 एंड 46। ये होगा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, हम अगर ऐसे क्विकली करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लो और एक एग्जांपल लेंगे, और एक एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 1 2 3 4 5। इसका अगर हम हमें टोटल सम पता है तो टोटल सम कितना होगा, 3 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, 15 होगा। इसका टोटल सम कितना आएगा, सम 15 आएगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, टोटल सम पता है 15 दिया है 5 कंसेक्यूटिव नंबर का। तो हमें ये कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 15 को 5
फाइव से डिवाइड कर देंगे, ये क्या होगा थ्री टाइम्स जाएगा। तो ये जो थ्री टाइम्स होगा ये मिडिल टर्म निकल के आएगा। तो ये मान लो ये नंबर लाइन है, ये थ्री इधर आ गया। इसके बाद में हम टू इंटेजर्स लेंगे, पॉजिटिव इंटेजर्स, और इसकी आगे में टू पॉजिटिव इंटेजर्स लेंगे। ये एक होल नंबर है तो हम क्या करेंगे इसमें वन माइनस करके आगे का टर्म लिखेंगे, यहाँ तक टू माइनस हो जाएगा। और जो पीछे का जो टू इंटेजर्स होगा उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे वन ऐड करके जाएंगे, प्लस वन इधर होगा, इधर हाँ से यहाँ तक कितना होगा प्लस टू होगा। तो वन सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, ये टू होगा, टू से वन सब्सट्रैक्ट होगा तो ये वन आएगा। यहाँ से जब वन ऐड होगा तो ये फोर होगा, थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर, एंड फोर प्लस वन इक्वल टू कितना होगा फाइव होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक टू ऐड होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू प्लस वन है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू प्लस वन है। तो प्लस वन फोर होगा, तो ये थ्री है, थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर होगा, थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव होगा। ऐसे हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो हमने इधर भी पता लगा लिया कि जो 15 सम दिया था उसका कंसेक्यूटिव फाइव इंटीजर्स क्या होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा एंड फाइव होगा। एक बुक है जिसका फेसिंग पेज दो पेज का टोटल सम 85 दिया हुआ है। तो ये जो 85 दिया है तो उसका अगर हम फेसिंग पेज फाइंड करना चाहे तो क्या होगा, ये पहले पूछा है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पूछा है, अगर सम नहीं दिया हुआ है, मतलब 85 ये जो सम वैल्यू है ये नहीं दिया हुआ है, मतलब दोनों पेज का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू और प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम ही है, तो अगर प्रोडक्ट 1806 होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन है। फेसिंग पेज मतलब एक के बाद एक आएगा, इसलिए ये कैसा होगा कंसेक्यूटिव पेज होगा, मतलब कंसेक्यूटिव पेज मतलब एक के बाद एक आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे लेट द पेजेस बी, पहला पेज क्या होगा एक्स होगा, उसके बाद का पेज एक्स प्लस वन होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे इन दोनों का सम करेंगे, एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना आएगा 85 आएगा। तो ट्वाइस एक्स इक्वल टू 84 होगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस वन होगा, तो 85 से वन हट जाएगा तो 84 होगा। टू से इसको जब डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, टू से इसको डिवाइड करेंगे तो 42 आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू हमें मिल गया है 42। तो देयरफॉर द पेजेस बी पहले एक्स है, एक्स के साथ हम एक्स की इक्वल वैल्यू लिख सकते हैं 42, उसके बाद 42 प्लस 1 43 होगा, मतलब ये 42 पेज एंड 43 ये दोनों पेज फेसिंग हो रहा है, ये कंसेक्यूटिव होगा, मतलब एक के बाद एक आएगा। तो और एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अगर ये जो दोनों पेज है इसका सम दे दिया है तो हमने फाइन कर लिया है, अगर सम नहीं दिया है तो इसका अगर प्रोडक्ट वैल्यू 1806 ये दे दिया तो हम कैसे करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। अगेन हम लिखेंगे अगेन हम क्या करेंगे x इंटू एक्स प्लस वन करेंगे इक्वल टू 1806 करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 1806 इक्वल टू जीरो हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 1806 इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। टू से जब डिवाइड करेंगे 903 होगा, मतलब 2 × 90 इक्वल टू 180 एंड 2 × 3 इक्वल टू 6 होगा। फिर से हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 जा 9, इधर 0 आएगा, 3 जा 3, 301 को हम क्या करेंगे, 301 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, ये 30 से 28 होगा, 2 1 के आगे रहेगा 21 होगा, 7 × 3 इक्वल टू 21 होगा, मतलब 2 3 जा क्या होगा 6 होगा, 6 × 7 इक्वल टू कितना होगा 42 × 43 होगा। इसका जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 43 × 42 होगा, क्योंकि 43 एंड 42 का 2 को जब हम ये मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो तभी x निकल के आएगा।
मतलब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या काटे हैं, इसको या इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1806 एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर का फैक्टर्स क्या बनेगा, एक्स इंटू एक्स होगा, और 1806 का फैक्टर्स हम क्या लेंगे, 42 × 43 लेंगे, तभी क्या बनेगा, ये मिडिल टर्म निकल के आएगा, मतलब 43x × 42x ऐसे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इधर तक लिख सकते हैं, ग्रेटर टर्म पहले लिखेंगे 43x, तो नेक्स्ट स्मॉलर टर्म प्लस एंड माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा 42x − 1806 इक्वल टू क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x प्लस 43 करेंगे, इन दोनों में से क्या आएगा, माइनस 42 आएगा, तो x प्लस 43 होगा, क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो होगा, इक्वल टू ये ज़ीरो है। नेक्स्ट इन दोनों को कॉमन लेंगे, x प्लस 43 एंड इन दोनों जब कॉमन आएगा तो ये दोनों रहेगा x माइनस 42 इक्वल टू ज़ीरो। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसको 1 × 0 करेंगे, इसको 1 × 0 करेंगे, और इधर 42 × x = 42x होगा, ये जो ब्रैकेट ओपन होगा, इस माइनस से इस प्लस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ही होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ये आएगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, x प्लस 43 इक्वल टू एक बार ज़ीरो लिखेंगे, और x माइनस 42 इक्वल टू एक बार ज़ीरो लिखेंगे, तो x का वैल्यू निकल के आएगा 43 माइनस 43 आएगा, इधर माइनस 43 एंड इधर आएगा x इक्वल टू प्लस 42। तो x का वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, x का जो वैल्यू है ये क्या है, माइनस नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि माइनस जब निकल के आएगा, पेजेस जो नंबर है, पेजेस नंबर तो निगेटिव नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या होगा, ये इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे 42 को लेंगे, x के वैल्यू 42 को कंसिडर करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 42 होगा। एंड ये जो नेक्स्ट x प्लस 1 होगा, मतलब नेक्स्ट जो पेज है x प्लस 1, ये हमें पता चल जाएगा, 42 प्लस 1 करेंगे तो 43 आएगा। देयरफॉर द पेजेस बी x इक्वल टू 42 होगा, x का वैल्यू 42 हमने लिया है, क्योंकि माइनस टर्म को हम नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस जो वैल्यू है, ये पेजेस का वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमने प्लस जो वैल्यू है x का उसको ले लिया है, तो x इक्वल टू 42, देयरफॉर इधर आ गया 42। नेक्स्ट पेजेस का जो ये नेक्स्ट पेजेस कितना है, x प्लस 1 लिया था हमने, तो x प्लस 1 होगा, तो 42 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 43 आएगा, ये हो गया आंसर। तो अगर हम इसको साम करेंगे तो ऐसे होगा, अगर साम का वैल्यू नहीं दिया है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसे होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू को लेना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेना पड़ेगा, तो ऐसे करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8, द सम ऑफ ए नंबर n8 इज 45, फाइंड द नंबर। इसमें नंबर फाइंड करने के लिए दिया है, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर बी, द नंबर बी इक्वल टू एक्स कंसिडर करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इधर लिखेंगे द सम ऑफ ए नंबर, मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर n8, इन दोनों का जब सम करेंगे इक्वल टू कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए, ये बहुत सिंपल हो गया, तो x का वैल्यू निकल के आएगा 45 − 8, तो वैल्यू आएगा x इक्वल टू 37, ये ही इसका आंसर है। क्वेश्चन 9, 3 times ए नंबर एडेड टू 12 गिव्स −6, फाइंड द नंबर। इसमें नंबर फाइंड करने के लिए दिया है, जब भी ऐसे देगा तो हम ऐसे लिखेंगे लेट द नंबर बी, द नंबर बी इक्वल टू कितना होगा, x होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इधर लिखेंगे 3 times ए नंबर, ये जो नंबर है इसको 3 times करेंगे, हो गया 3 times, एडेड टू 12, 12 के साथ ऐड कर देना है, तो इक्वल टू कितना देगा, −6 देगा, ये हो गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3x इक्वल टू −6 − 12 होगा, तो 3x इक्वल टू कितना आएगा, −18 होगा, तो x का वैल्यू हमें निकालना है, x इक्वल टू −18 / 3 से ये कट जाएगा 6 times, तो x का वैल्यू हम निकल के आ गया −6, ये ही आंसर है। क्वेश्चन 10, 1/3 ऑफ विच नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7/11 टू गिव्स 24/55। मतलब एक नंबर है, नंबर की वैल्यू कितना है, 1/3 वैल्यू को हम अगर 7/11 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 24/55 निकल के आएगा, तो हम लिखेंगे लेट
द नंबर बी एक्स कंसीडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो नंबर है इसका वन थर्ड कितना होगा, वन थर्ड ये होगा। तो इसको अगर हम चाहे तो एक्स बाय थ्री भी लिख सकते हैं। तो ये जो एक्स बाय थ्री मतलब वन थर्ड नंबर है, ये सेवन बाय इलेवन से जब सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना वैल्यू निकल के आएगा, 24/55 वैल्यू निकल के आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 7/11 है इसको इस तरफ ले आएंगे, 24/55 माइनस 7/11 इधर वैल्यू रहेगा माइनस एक्स बाय थ्री। अभी हमें सॉल्व करना है एक्स बाय थ्री इक्वल टू 55 एंड 11 का जो एलसीएम कितना होगा, 55 ही होगा, क्योंकि 55 का फैक्टर्स होगा 5 इंटू 11 एंड 11 का फैक्टर्स होगा 1 इंटू 11। इसमें भी 1 है तो दोनों में अगर हम एलसीएम लेना चाहे तो इसमें 11 है, इसमें 11 है, एक 11 आएगा, इसमें 5 है, दोनों नीचे नहीं है तो 5 आएगा, 1 तो आएगा ही, 1 को नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 55 होगा। तो इसलिए जो 55 है, 55 के साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा, उसी 1 को हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है, मतलब 24 ही रहेगा, 1 इंटू 24 इक्वल टू 24। ये माइनस साइन इधर रहेगा। ये जो 11 है, 11 के साथ जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे ये 55 निकल जाएगा, वही 5 हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 इंटू 7 इक्वल टू कितना होगा, 35 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस एक्स बाय थ्री इक्वल टू इधर 55 रहेगा और ऊपर वैल्यू कितना रहेगा, ऊपर वैल्यू रहेगा 11 माइनस 11 रहेगा। तो उसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, 11 1 11 एंड 11 इंटू 5 कितना होगा, 55 होगा। अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 5x होगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस कितना होगा, 3 होगा, दोनों तरफ माइनस है तो हम कैंसिल करेंगे, तो x का वैल्यू हम इधर निकालेंगे 3/5, यही इसका आंसर होगा।